शाल्मली खोलगड़े बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट गीतों को अपनी आवाज से सजाया है। बलम पिचकारी, लत लग गई, मैं परेशान, बेबी को बेस पसंद है, जैसे गीतों से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। पीपल्स यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शाल्मली अपनी संगीतमय प्रस्तुति देने पहुंची। इस दौरान खबर 100 से खास बातचीत में उन्होंने अपना संगीतमय सफर साझा किया। शाल्मली, आपकी जो मदर थी वो भी एक सिंगर है जी, तो आप सिंगर बनना चाहते थे या आपकी माँ का सपना था कि आप सिंगर बने, क्योंकि आप बहुत छोटी ऐसे गा रही हैं? जी, डेफिनेटली मेरे मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे करियर में, क्योंकि शुरुआत संगीत की घर से हुई है। मम्मी ने सिखाया गाना, तब शुरुआत हुई है सिंगिंग की, पर कभी घर से मुझे कंपल्शन नहीं था कि गाना ही करना है जी। पर जब मैंने खुद ने ये करियर करना सोचा, तब सब घर वाले भी खुश हो गए कि इसको गाना गाना है। बट ये मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगी कि मेरे घर से कोई प्रेशर था मेरे लिए। मेरी माँ का मेरे लिए क्या सपना है मुझे आज तक पता नहीं है। आई जस्ट नो कि मेरी माँ खुश है मेरे लाइफ को लेकर। कितने साल की थी जब आपने गाना शुरू किया और इसकी शिक्षा लेनी शुरू की संगीत की? संगीत की शिक्षा, जैसे मैंने कहा, मम्मी ने मुझे सिखाया गाना, तब म्यूजिक क्लास हमारा, मैं 7 साल की थी तब से शुरुआत हुई है म्यूजिक क्लास की। और फिर मैंने मम्मी के टीचर शुभदा पराडकर, इनसे भी क्लासिकल सीखा। पर मेरा पहले से वेस्टर्न म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो गाना, इवन दो मैंने एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, फिर भी मेरा सुनकर वो गाने रट कर गाना, ये सारी चीजें मैंने कॉलेज में काफी की, बैंड्स के साथ सोलो सिंगिंग, सब कॉम्पिटिशन पे मैं हिस्सा लेती थी। और वहां पर आई थिंक मेरी असली में शुरुआत हुई संगीत को लेकर इन माय कॉलेज डेज। आपकी शुरुआत कॉलेज से हुई, लेकिन आपका फर्स्ट डेब्यू कैसे मिला, क्योंकि आपकी जो फिल्म थी इशक याद है, इसमें गाना गाया था मैं परेशान, पहले ही गाने से आप हिट हो गई थी, तो किस तरह आपको ये गाना मिला? बड़ा ही अचानक से मुझे ये गाना मिला, क्योंकि मैं संगीत का एजुकेशन लेने मैं यूएस जाने वाली थी, और तब मुझे अमित त्रिवेदी के स्टूडियो से मेरा एक दोस्त ने मुझे एक फोन किया कि तेरे पास कोई डेमोज हैं क्या, भेज दे, अमित त्रिवेदी इज लुकिंग फॉर अ फ्रेश वॉइस। तब मैंने कहा मेरे पास सारे इंग्लिश डेमोज हैं, हिंदी एक भी गाना मैंने तब तक गाया नहीं था, बिल्कुल मैं गाती ही नहीं थी हिंदी गाने। पर उसने कहा कि नहीं नहीं भेज जो कुछ भी है वो भेज। तो मैंने जब मेरा डेमो भेजा, तब अमित त्रिवेदी को वो पसंद आया इंग्लिश डेमो होते हुए भी, और उन्होंने मुझे स्टूडियो बुलाया हिंदी गाना गाने के लिए। तो ऐसे मेरी किस्मत चमक गई उन 2 दिनों में, जब मुझे मेरे फ्रेंड एंजो जॉन का फोन आया, और वहां से लेकर 4 दिनों में मैंने एक जिंगल रिकॉर्ड की पहले रेड एफएम की, जो मेरा पहला एसोसिएशन अमित त्रिवेदी के साथ वो था, परेशान से पहले भी। पर उन्होंने मुझे बहुत इन अ वेरी नाइस वे उन्होंने मुझे इंडस्ट्री में एंट्री दिलवाई, सिर्फ इसीलिए नहीं कि परेशान एक बहुत हिट गाना हुआ, पर जिस तरीके से जो कोई नया आया है इंडस्ट्री में उसे कैसे समझाते हैं, यानी प्लेबैक क्या होता है, यानी कैरेक्टर को, फिल्म में जो कैरेक्टर है उसको ध्यान में लेते हुए आप कैसे गाते हैं, इसकी मुझे शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से दी अमित त्रिवेदी, हबीब फैजल जो डायरेक्टर हैं शहजादे के, और कौसर मुनी जिन्होंने गाना लिखा है, उनकी वजह से। शर्मली, आप मल्टी टैलेंटेड भी, आप सिंगर तो हैं लेकिन एक्टर भी अच्छी हैं, आपने फिल्म की थी मराठी कोंकणी जो हिट भी हुई थी, आपकी अभिनय को सराहा भी गया था, किस तरह मिली फिल्म, आपका अभिनय में कैसे आपकी रुचि जगी? अभिनय एक्चुअली पहले से मुझे बहुत इंटरेस्ट था, अभी भी है अभिनय में, और मैंने थिएटर काफी किया था बचपन से, और थिएटर करते करते मेरे स्कूल के जो एक टीचर थे उनको पता था कि मुझे एक्टिंग में रुचि है, तो उन्होंने मुझे फोन किया मेरे 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स के बीच में, मतलब मेरी 4 दिन की छुट्टी थी 2 एग्जाम्स के बीच में, तब उनका फोन आया कि एक ऑडिशन है एक्टिंग के लिए, तुझे करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी 4 दिन है, नेक्स्ट पेपर के लिए कर लेती हूँ, क्या होगा, एट द मोस्ट पार्ट नहीं मिलेगा। पर जैसे ही मेरी बोर्ड एग्जाम खत्म हो गई, मुझे फोन आया टीचर का कि तुझे मिल गया पार्ट। तो ऐसे ही पहले से मैंने ये, मुझे लगता है कि ऑडिशंस देना, जो कोई भी कभी भी कहे कि आपको ऑडिशन देनी है, तो हाँ कहकर देनी चाहिए ऑडिशन, क्योंकि कभी आपकी किस्मत चमक जाए कुछ कह नहीं सकते। तो कितना मुश्किल है पहली बार कैमरा फेस करना?
एक्चुअली मुझे लगता है लोगों से ज्यादा मैं कैमरा ज्यादा अच्छे फेस करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अपना सा लगता है कैमरा। मैंने अभी मैं यहाँ पे भी देख के परफॉर्म कर सकती हूँ, जैसे कि करोड़ों लोगों देख रहे हैं मुझे से परफॉर्मेंस। सो आई थिंक मेरा कैमरा के साथ का रिश्ता पहले से ही बहुत अच्छा है, तो कभी मुझे से घबराहट नहीं हुई टू परफॉर्म टू कैमरा। आई डोंट नो कैसे, क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैंने बहुत बचपन से कैमरा के सामने मैंने फोटो खिंचवाई है या वीडियोस बनाए हैं, पर एक पहले से बहुत ईज था मेरा कैमरा के साथ। तो 2022 में भी एक्टिंग का सफर जारी रहेगा आपका सिंगिंग के साथ? वैसे मुझे मेरा फर्स्ट लव जो कहते हैं, पहला प्यार मेरा तो म्यूजिक है और वो म्यूजिक ही रहेगा, पर अगर कुछ रोल कब मिल जाए तब जरूर कर लूंगी मैं। जी आपका प्यार सिंगिंग और आपकी आवाज इतनी अच्छी कि लोगों को उसकी लत लग जाती है। तो हम जाएंगे उसकी दो लाइनें आप सुनते की लत लग गई। ठीक है। दिल जी पे आवा जी तो देखोगे देखेगा तो दिल से शरारत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना का लत या का लत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। शर्मा जी आपके सिंगल भी काफी हिट हुए हैं और मालूम पड़ा कि आप एक और सिंगर की तैयारी कर रही हैं। जी किस बारे में सिंगर, किस तरह गाने रहेंगे इसमें? एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है कह के कि ये सिंगल नहीं पूरा एल्बम है। ओके। तो एल्बम का पहला हिस्सा मैंने 2X साइड ए नाम का लास्ट ईयर रिलीज किया और 2X साइड बी जिसमें ऑलमोस्ट 7-8 गाने हैं, अभी आठवां गाना मैं सोच रही हूँ डालू या नहीं एल्बम में। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में का एल्बम है। किस मूड के रहेंगे? डांस मूड के रहेंगे लोग। मैं चाहती हूँ कि कौन सा भी इस एल्बम का गाना सुन के लोग नाचना पसंद करें, तो ऐसे गाने मैंने बनाए हैं। एंड सम आर लव सॉन्ग, सम आर अबाउट जो हमारे एनवायरनमेंट में जो चीजें हो रही है जो मुझे खटकती हैं, जो मुझे लगता है इसके बारे में हमने बात करनी चाहिए, ऐसे टॉपिक्स पे भी एक आध गाने हैं। तो इंटरेस्टिंग है मेरे लिए बहुत, एक मेरे दिल के पास का ये सब्जेक्ट है म्यूजिक बनाना, सिर्फ गाना नहीं। तो आज कंपोजर के तौर पर भी मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। अभी लोग आपके गाने सुनते हैं आपसे इंस्पायर होते हैं, पर आप कोई सिंगर है ऐसा जिससे आप इंस्पायर रही हो शुरू से? बिल्कुल। तो इंडिया में तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है सुनिधि चौहान, यानी आज वो मैं कह सकती हूँ कि वो मेरी दोस्त हैं, पर इससे पहले कि वो मेरी दोस्त बनी, उससे पहले से मेरा बहुत बहुत वर्शिप, जिसे कहते हैं कि आई वर्शिप दिस पर्सन, वैसे कहते हैं कि आई वर्शिप दिस पर्सन, वैसे प्यार है मुझे सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह के लिए। और बियॉन्से मेरे लिए बहुत एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिनका परफॉर्मेंस स्टाइल मुझे किसी और ही हद तक पसंद है, क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है फॉर परफॉर्मेंस। यानी आप संगीत करते हैं, स्टूडियो में गाते हैं, पर जब वो गाने हम स्टेज पर लेके जाते हैं तब वो सिर्फ गाना सुनने के लिए ऑडियंस आती नहीं है, वो पूरा शो देखने आती है। और बियॉन्से जिस तरीके से परफॉर्म करती हैं, वैसे मुझे आई एस्पायर टू बी लाइक हर। सिंगिंग रियलिटी शो की आप जज भी रही हैं, क्या सोचती हैं सिंगिंग रियलिटी शोज को लेके? एक अच्छा मंच है सिंगिंग रियलिटी शोज, अगर आप एक करेक्ट माइंडसेट लेकर जाए रियलिटी शो में कि आपको सीखना है, सिर्फ जीतना है ये नहीं, पर आपको संगीत अपने जो जजेस हैं उनसे या जो आपके साथ गाने वाले हैं उनसे सीखना है, तो ये बहुत अच्छा मंच है क्योंकि आपको काफी एक्सपोजर मिलता है उस एनवायरनमेंट में। पर अगर आपने उस रियलिटी शो के बाद में संगीत को लेकर कुछ किया नहीं और सिर्फ इस पर निर्भर रहे कि मैंने रियलिटी शो में गाया है, तो उसका कुछ आपके लिए फायदा नहीं होता है। और इसके लिए मुझे बहुत दुख होता है ऐसे कई सारे सिंगर्स, कई सारे टैलेंटेड लोगों की, कि वो बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं उस शो के ऊपर, बल्कि आपके लाइफ या करियर की शुरुआत वहां से होती है, उसके बाद आपको अपनी लाइफ अपने हाथों में लेकर उसे आगे बढ़ाना होता है। तो अगर ये समझ कंटेस्टेंट्स में हो तो रियलिटी शो इज अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। आप म्यूजिक में नया एक्सपेरिमेंट करती रहती, साथ ही आपकी शादी हुई थी, आपने उसमें एक्सपेरिमेंट किया था, आपने जो माला थी उसमें फोटो लगाई थी दोनों की, ये आइडिया किस तरह आया? तो यूनिक आइडिया था क्योंकि मुझे क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है, और हमने शादी, मेरे हस्बैंड और मैंने सोचा कि घर करेंगे, तो मेरी शादी घर में हुई है। और क्राफ्ट, मुझे कुछ तो क्राफ्टी हाथ से बनाया हुआ
यानी फूल भी, फूल खूबसूरत होते हैं पर वो खराब हो जाते हैं, फिर उसमें फेंकना पड़ता है। पर आज मेरी जो वरमाला है, वरमाला ही कहते हैं ना उसको, हाँ वरमाला है, वो मेरे घर में है और वो रहेगी, यू नो फॉर एवर। तो ऐसी चीज मुझे अपने शादी में, यू नो आई वांटेड इट टू बी अ पार्ट ऑफ माय वेडिंग। और हम सब ने बैठ कर, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ और हस्बैंड और मैंने, और हम सब ने बैठ कर, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ और हस्बैंड और मैंने बैठ के शादी के एक दिन पहले वो बनाए बनाई हुई चीज है। सो बहुत स्पेशल है मेरे। अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जरिए? फैंस, थैंक यू सो सो मच कि आप ये सारे साल, अभी 10 से ज्यादा साल हो गए जब मैंने शुरुआत की इस इंडस्ट्री में, आपने इतना प्यार दिया और आप रुके हुए रहते हैं कि मेरा अगला गाना कब आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विथ मी और आई होप एवरीबडी स्टेइंग सेफ, क्योंकि क्या पता बीच बीच में फिर से कोविड आ जाता है और फिर चला जाता है। तो आप सब सेफ रहे, यही मैं चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझसे मिले, कि आप मेरा शो देखने आए, जैसे मैं आज भोपाल में हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज एक लाइव शो करने वाली हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी कोई आएगा उनको मुझे एक अच्छा, आई वांट टू गिव देम अ गुड टाइम। आप वहां पर मौजूद है, चलते चलते जाएंगे बलम पिचकारी के साथ इस इंटरव्यू को फिनिश करें। ओके इतना क्यों आ रहा है तूने भाग मिलाया, क्यों हो रहा है आंखों से मीठा तूने खिलाया, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सारी छोरी शराबी हो गई। तो आज हमने बात करी जानी मानी सिंगर शालमली कोलकाता से, जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ, देखते रहिए खबर।